हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड अलेवन अलेवन ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थाट्स आपके लिए क्या हैं सो so ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है और ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है देखते हैं कि आज आपके पर्सन की फीलिंग्स और थाट्स क्या हैं सो वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स द चैरियट फोर ऑफ़ सोर्ड्स द वर्ल्ड आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है द सन द मजिशन वाओ वाओ नाइट ऑफ सोर्ड एंड दैन सेवन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है सैजिटेरियस सो कल्चर बैकग्राउंड लैंगवेज डिफरेंट हो सकती हैं कुछ भी डिफरेंस आप लोगों के हो सकते हैं बट आई फील कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आपके पर्सन के लिए यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी यहाँ पर लिब्रा सैजिटेरियस लियो जेमनाए अक्वेरियस ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका या आपके पार्टनर का इसमें से कोई हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं इंसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं आई ऑल्सो फील कि ये इंसान मे बी आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान ट्रैवल कर रहे हैं और आपको आकर बताएंगे आपकी कंट्री में आपकी सिटी में आकर आपको बताएंगे कि वो आ चुके हैं ऑब्वियसली ये चीज़ आपको बहुत खुशी देगी जब वो आएंगे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए प्रपोज़ल प्लान कर रहे हैं और वो आपसे जब ये शेयर करेंगे बात ओबली एक्सक्यूज़ मी आप बहुत खुश होंगे आ, कुछ ना कुछ ये इंसान प्लान कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं इस बारे में ये आपके हस्बैंड या वाइफ़ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और हो सकता है कि आपके हस्बैंड गए हुए थे या आपकी वाइफ नाराज़ होकर गई हुई थी आई रियली फील कि वो वापस लौट आएंगे आपके पास ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है ये रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है सो so जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आप लोग हैं उसमें से निकलने वाले हैं विद दिस वर्ल्ड कार्ड एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है आपके पार्टनर के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं दे रियली वांट टू कम्युनिकेट अगर आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है काफ़ी दिनों से ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं फेयर होना चाहते हैं ये इंसान आपको बड़ा याद कर रहे हैं और ये इंसान आपके साथ होना चाहते हैं और आपका साथ होना चाहिए है मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं विद द मजिशन एनर्जी आप लोग मैनीफेस्ट कर रहे हैं प्रपोज़ल मैनीफ़ेस्ट कर रहे हैं या मैनीफेस्ट कर रहे हैं आप आपके पर्सन का ट्रैवल आप मैनीफेस्ट करें कि वो जल्दी आ जाएं ट्रैवल करके या जल्दी आपको प्रपोजल दे दें कुछ भी इस तरह का सो आई रियली फ़ील कि आप लोगों के लिए ये साइन है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप बिल्कुल राइट right पाथ पर हैं राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप मैनीफेस्ट करने वाले हैं बहुत जल्द और ये इंसान काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं पॉजिटिव फील कर रहे हैं ख़ुशी महसूस कर रहे हैं उनको आपके साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन फ़ील हो रहा है मे बी पहले आप लोगों की बहुत फ़ाइट्स होती थी अब नहीं हो रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो लोग ये वाली रीडिंग से रेजनेट कर रहे हैं आप लोगों का कनेक्शन ठीक चल रहा है काफ़ी दिनों से और कोई फ़ाइट्स नहीं हो रही हैं चीज़ें ठीक चल रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं मतलब पीसफुल महसूस कर रहे हैं कंप्लीट फील कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि फाइनली अब हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं अब हमें पता चल गया है एक दूसरे के बारे में आप भी उनको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि जब वो गु़स्से में होते हैं तो क्या करते हैं जब वो परेशान होते हैं तो उनसे कैसे डील करना है ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं और वो बहुत खुश हैं इस बारे में कि अब हम दोनों के अंदर एक बड़ा अच्छा एक बॉन्ड एक केमिस्ट्री हो चुकी है कि हम एक दूसरे को अब अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और मोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं कि अब हम इस कनेक्शन को आगे लेकर जा सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो कंपेटेबिलिटी अब हो गई है और उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ अब हम जिंदगी आगे की अच्छी बिता सकते हैं ये इंसान अब मुझे अंडरस्टैंड इसने कर लिया है मैंने इसको कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि शायद पीस और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए और अगर वो अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए तो फिर रिश्ते नहीं चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये महसूस होने लग गया है कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग है एंड यू नो कि ये चीज़ कोई एक दिन में या चंद महीनों में नहीं होती है थोड़ा टाइम लगता है फिर आपको पता चलता है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ काफ़ी कनेक्शन आप लोगों का मज़बूत हुआ है और इसीलिए इंसान अब इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं सो so ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लव यू लॉड्स बाय